आज आपको ससुराल से या किसी महिला से गिफ्ट मिल सकता है। लंबे समय के बाद परिवार के सदस्य आपके अनुकूल कार्य करने के लिए हाँ कहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 85% अंक देता है। वृश्चिक राशि, लाभ के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आर्थिक मामलों में विशेष सफलता देगा। आज के दिन धन प्राप्ति करने के सभी प्रयास सार्थक होंगे। अपने कार्य को किसी भी कीमत पर कल करने की प्रवृत्ति बिल्कुल मत रखिएगा। ओम ऐं गणपतये नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए, कार्य में सफलता मिलेगी। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मीन राशि, मन की चिंता आज दूर होगी। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा। धन कमाने की दिशा में किया गया प्रयास भी सार्थक होगा, लेकिन आज जल्दबाजी में कोई कार्य न करिएगा। गरीबों जी, जैसा कि आज हम मंगल रेखा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये मंगल रेखा हाथ पर कहाँ होती है और ये किस ओर इशारा करती है। देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली की तरह हस्त रेखा भी अपने विशिष्टताओं और सीमाओं में बहुत कुछ भविष्य के बारे में स्पष्ट कर देती है। यद्यपि हाथ के अध्ययन के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक रेखाओं का उल्लेख मिलता है, उसमें जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ साथ मंगल रेखा का भी विशेष स्थान है। मंगल रेखा को ही जीवनदायिनी रेखा भी कहा जाता है। जो भी हमारे दर्शक गण हस्त रेखा में रुचि रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मंगल रेखा के बारे में जानना चाहिए। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि मंगल रेखा हाथ में कहाँ होती है और इसका फल क्या होता है। देखिए दर्शकों, जहाँ से जीवन रेखा प्रारंभ होती है, अर्थात बृहस्पति और शुक्र के मध्य से यह जीवन रेखा प्रारंभ होती है, इसके ठीक समानांतर जो रेखा बनती है उसे हम मंगल रेखा के नाम से जानते हैं। मंगल रेखा मूल रूप से यह स्पष्ट करती है कि जिसके हाथ में यह रेखा होगी, वह जीवन में जब कभी भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट में आएगा या अपने बुरे समय में चलेगा, तो निश्चित रूप से उसके माता पिता, भाई बंधु, नात रिश्तेदार अथवा मित्र निश्चित रूप से उसकी सहायता में खड़े होंगे और वह बिना कष्ट उठाए संकट को पार कर लेगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी के हाथ में मंगल रेखा अस्पष्ट हो, जिस पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह न हो, तो ऐसे लोग यदि यात्रा में घायल होते हैं तो अपरिचित लोग इनकी मदद अपनों से बढ़कर करते हैं। मंगल रेखा के विषय में यह भी अनुभव किया गया है कि यह लोग अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं निश्चित रूप से उसमें सफल होते हैं और इनको जीवन में हर प्रकार के सुख उचित समय पर प्राप्त होते हैं। आगे आचार्य जी, आज परिश्रम के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलेगा। डूबा हुआ धन भी मिलने के स्पष्ट योग है। गैर जरूरी यात्रा से आज परहेज करिएगा। गणेश जी के मंदिर जाकर दर्शन करिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है।